नमस्कार, फिल्म बीट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका। टीआरपी में टॉप 5 से बाहर हुआ कसौटी, नहीं मिला मिस्टर बजाज की एंट्री का कोई भी शो को फायदा। बार की 25वें हफ्ते की टीआरपी रेटिंग में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। जो सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कार्तिक नायरा को रीयूनियन ट्रैक की वजह से टीआरपी में ऊपर आया है, वही कसौटी में मिस्टर बजाज की एंट्री ने शो को खास फायदा नहीं पहुंचाया। एकता कपूर का ये शो टॉप 5 से बाहर हो गया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कौन से शो है टॉप 5 की रेस में शामिल। एकता कपूर का शो कुंडली भाग्य दर्शकों की पहली पसंद बना हुआ है। शो लिस्ट में टॉप पर है और इस शो को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। वहीं पिछले हफ्ते ये रिश्ता क्या कहलाता है टीआरपी लिस्ट में 6वें नंबर पर था, लेकिन 25वें हफ्ते में शो को दूसरे नंबर पर जगह मिली है। लीप के बाद कार्तिक और नायरा की कहानी में आ रहे ट्विस्ट अब दर्शकों को काफी पसंद आ रहे हैं। वैसे भी ये रिश्ता क्या कहलाता है में आए लीप का फायदा अब इस शो को पूरा मिलने लगा है। जी टीवी का शो कुमकुम भाग्य टीआरपी रेटिंग में तीसरे पायदान पर बना हुआ है। लीप के बाद शो को नई रफ्तार मिली है, मौजूदा ट्रैक ऑडियंस को काफी लुभा रहे हैं। देखा जाए तो चौथे नंबर पर है सब टीवी का कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा। दिशा वकानी यानी दया बैन कब सीरियल में वापसी करेंगी ये तो अभी तक सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन इस शो को पूरा पूरा फायदा मिल रहा है क्योंकि दर्शक तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एंटरटेनिंग ट्रैक्स को देखना पसंद करते हैं। हालांकि अब तो ये भी कहा जाने लगा है कि दिशा शो में वापस एंट्री नहीं लेंगी, लेकिन अभी तक कुछ भी ऑफिशियल तौर पर अनाउंसमेंट नहीं हुई है। बता दें कि जी टीवी का शो तुझसे है राब्ता की कहानी दिलचस्प मोड़ पर है और टीआरपी लिस्ट में ये शो 5वें पायदान पर है। स्टार प्लस का शो कसौटी जिंदगी को लेकर काफी बज बना हुआ था, लेकिन टॉप 5 से ये शो बाहर है। मेकर्स को उम्मीद थी कि मिस्टर बजाज के शो में आने के बाद टीआरपी में उछाल देखने को मिलेगा। हालांकि अभी तक प्रेरणा मिस्टर बजाज का आमना सामना नहीं हुआ है। उम्मीद है कि अनुराग प्रेरणा के अलग होने और प्रेरणा के मिस्टर बजाज संग आने के बाद टीआरपी में बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तक तो कसौटी को बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। नतीजा ये है कि ये शो टीआरपी की टॉप 5 की लिस्ट से बाहर हो चुका है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।